हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ईशान। आज हम एक अच्छी सी मोटिवेशन स्टोरी के बारे में बात करेंगे कि हमारे जो गुरु है उन्हें कभी भी हमें मूर्ख नहीं समझना चाहिए। गुरु गुरु होता है वो, हम और हम कई शिष्य होते हैं वो गुरु को मूर्ख समझते हैं कि उनको कुछ पता नहीं चलता है या उन जो शिष्य है उन्होंने गुरु को बेवकूफ बना दिया ऐसा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गुरु गुरु होते हैं, उनका सम्मान ही करना चाहिए और उन्हें कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो मूर्ख है, उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, सुनाता हूँ कि क्या कि चार मित्र थे, चार स्टूडेंट थे और उनकी एग्जाम थी, और एग्जाम थी दो दिन के बाद थी, और फिर वो लोग सोच रहे थे कि अभी एक या दो दिन बाकी है और एग्जाम है और कुछ पढ़ा तो है नहीं पूरे साल, तो उन्हें ऐसा लगा कि अगर कुछ भी करके दो तीन दिन और अगर जोड़ ले, कुछ भी करके मांग ले गुरुजी से और टाइम मिल जाए तो कवर कर लेंगे कुछ ना कुछ। तो वो दो दिन जो बचे थे उसमें तो उन्होंने पढ़ा नहीं, बल्कि वो ये सोचने में उन्होंने निकाले कि क्या करे तो और तीन से चार दिन का समय मिल जाए जिसमें हम पढ़ ले और फिर एग्जाम देंगे। तो फिर उसके बाद जब एग्जाम का दिन आया तो वो लोग जानबूझकर एक या डेढ़ घंटा वो लेट पहुंचे। अब लेट पहुंचे तो रास्ते में उन्होंने क्या किया कि रास्ते में किसी एक ने अपनी शर्ट फाड़ दी, किसी दूसरे ने अपने ऊपर कीचड़ लगा दिया, किसी ने तीसरे ने अपने आप को थोड़ा मैला कर दिया, और ऐसा करके चारों लोगों ने अपने जो ड्रेस था और अपना जो हुलिया था वो इतना बिगाड़ दिया कि किसी को यही लगे कि या तो कुछ बड़ा मतलब एक्सीडेंट हुआ है या फिर कीचड़ में वो फंसे हैं, ऐसा कुछ हो गया। तो वो फिर अपने गुरुजी के पास पहुंचे चारों लोग, और चारों लोगों ने ये कहा गुरुजी को कि गुरुजी हम रास्ते में आ रहे थे लेकिन हमारी जो गाड़ी है उसका एक टायर फट गया और इसके कारण हमें बहुत परेशानी हुई, गाड़ी गड्ढे में गिर गई, गड्ढे में कीचड़ था, निकालते निकालते इसका शर्ट फट गया, ये कीचड़ वाला हो गया, इसका पूरा वो यम्मी वाला हो गया, इस तरीके का ये स्टोरी बना दी। तो गुरुजी ने बोला कि आप चाहते क्या है, तो उन्होंने ऐसा बोला कि सर अभी हम तैयार नहीं है एग्जाम देने के लिए क्योंकि हम पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो हमें दो से तीन दिन का आप समय दीजिए ताकि हम दो तीन दिन में फिर से एग्जाम दे सके नॉर्मल होके। तो गुरुजी ने बोला कि चलो ठीक है, तीन दिन बाद आप आओ और एग्जाम दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो चारों हंसने लगे और चले गए, और उन्होंने लगा कि चलो हमने गुरुजी को कैसे बेवकूफ बना दिया, और उन्हें पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और हमने तीन चार दिन का यहाँ पर समय ले लिया। फिर तीन चार दिन के बाद फिर से यहाँ पर जो है एग्जाम का समय आया, वहां पर चारों लोगों को एग्जाम के लिए वो आ गए, इस बार उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन गुरु जी ने केवल दो ही सवाल पूछे और चारों लोगों को अलग अलग बिठाया। पहला सवाल ये था जो एक मार्क का था, और दूसरा सवाल था जो कि 99 मार्क का था। तो अब पहला सवाल ये था कि आप अपना नाम बताएं, तो सभी ने लिख दिया कि मेरा नाम ये है चारों ने, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा सवाल ये पूछा था कि आप दो दिन पहले जिस गाड़ी में आ रहे थे और गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ टायर फटा था वो कौन सा टायर फटा था, उस सवाल का मार्क थे 99। अब ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, तो चारों ने अलग अलग आंसर दिए और गुरुजी को ये पता चल ही गया कि ओरिजिनली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अगर ओरिजिनली ऐसा हुआ होता तो सभी लोग एक ही साइड के टायर का जो है नाम लिखते कि इस साइड का ही टायर फटा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, इन लोगों के बीच में कोई बात हुई नहीं थी, जिसके कारण उन्होंने क्या क्या सबने अलग अलग आंसर दिए और गुरुजी को ये पता चला कि ये चारों लोगों ने जो दो दिन पहले जो कहानी सुनाई वो बिल्कुल गलत थी। तो मेरा यहाँ का कहने का यही तात्पर्य है कि कभी भी अपने गुरु को मूर्ख नहीं समझना चाहिए। हम कई ये लोग कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने गुरुजी को एक स्टोरी कह दी और उन्होंने यकीन कर लिया तो हमने उन्हें बेवकूफ बना दिया, लेकिन कभी भी गुरुजी ऐसा नहीं होते, उन्हें सब पता होता ही है, बस वो बोलते नहीं। तो ये थी एक मोटिवेशनल स्टोरी। तो दोस्तों कैसी लगी मोटिवेशनल स्टोरी जरूर बताइएगा, आपकी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।